आज हम डेगी का सेमिनार कर रहे हैं बैड डिपार्टमेंट में, और बेसिकली ये डेगी आगाही के सिलसिले में सेमिनार है। तो शुरू करते हैं तलावत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहु अज़ीम। तैयब को दावत देता हूँ कि वो आए और थोड़ी सी इसकी जो डेगी की आगाही के सिलसिले में कुछ अपनी हमें बताएं। आए तो मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊंगा। वैसे ये बातें सबने पहले सुनी हुई हैं कि डेगी है क्या, कैसे आया ये, इसका आगाज कैसे, कहां से हुआ। सही के इंतकाम में साउथ अफ्रीका में कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हुए कैदी को हुआ था। लेकिन इस बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी बीमारी है। और नागासाकी जापान की सिटी में 1943 में दो साइंसदानों ने फिर इसको आविष्कार किया, और एस होटा ने मिल के इस वायरस को दरियाफ्त किया जिसका नाम डेगी वायरस रखा। इस वायरस के होने के कुछ अलामत हैं जो कि बहुत नुमाया है, हर जगह पर लिखी होती है, मैं भी याद कर देता हूँ। पेट में शदीद दर्द, मुसलसल कह का आना, सांस के मसायल, वसूलों से और नाक से खून आना, और शदीद बीमारी के सूरत में जिस्म के ऊपर सुरख धब्बों का बन जाना। और ये जो बीमारी है डेगी वायरस, इससे एक मरीज चार बार ही मुतासर हो सकता है, चार बार से ज़्यादा बार नहीं हो सकता। चौथी वायरस से बंदा बच सकता है अगर वक्त हो, कोई एहतियाती कोई कार्रवाई करते तो बच सकता है। मच्छर की शनाख्त को बता देता हूँ कि इस मच्छर के जिस्म के ऊपर ज़ेबरा नुमा सफ़ेद धारियाँ होती हैं छोटी छोटी, और आम मतलब जो गमलों में पानी खड़ा होता है, पौधों वाले गमलों में साफ पानी हो जाता है, मट्टी नीचे बैठ जाती है, उस पानी में ज़्यादातर फीमेल मच्छर अंडे देती है, लार्वा वगैरह बनता है, यानी कि उस पानी से बचना है हमने, वो पानी बहा देना है। छतों के ऊपर जब हम सामान रख देते हैं तो वो सामान अमूमन सीधा जो पुराना सामान होता है सीधा पानी और बारिश का पानी उस सामान में खड़ा हो जाता है, तो उसको कोई ढापने की जगह नहीं होती, इसको मच्छर को उधर मौका मिल जाता है अपने पलने पड़ने का, फजाइश का। उस सामान को ढाँप दें या फिर कोशिश करें कि उसमें पानी न रख दें। और पानी के जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, पानी की टैंकियाँ, ये अमूमन खुली रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसे चांस होते हैं कि खुली रहती हैं, तो इनको ढाँप देना चाहिए ताकि उधर भी इसकी एक तो पानी बच जाएगा, साफ रहेगा, दूसरा इस मच्छर से के पलने बढ़ने से हमें छुटकारा मिल जाएगा। एसी का जो पानी बहता रहता है उसको पर वक्त बहा दिया जाए, जितना पानी इकट्ठा हो उसको बहा दें। वाटर एयर कूलर जो होते हैं उनमें खड़े पानी को इस्तेमाल के बाद फौरी बाद बहा दिया जाए, ना कि अगर जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे दो दिन या चार दिन तो उसको खड़ा नहीं रहने देना चाहिए ताकि इस मच्छर की वहाँ पर फैलाव ना हो सके। और उसके अलावा सोते वक्त मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फिर मच्छर के जो लोशन होते हैं मच्छरों से बचाव के लिए हिफाजती लोशन वगैरह इस्तेमाल करें। यार ये तो ब्राइटनेस बड़ी ज़्यादा है। मेरी वीडियो बनाओ यार। तेरी भी यार किचाना मैच हो रहा है। Thank you.
भाई मैं किन्ना को तेज चलूं और यहाँ पर हमारी ये रैली इख्तिताम पज़ीर होती है।